पीएम आवास योजना के तहत जो घर बने हैं उनमें से करीब करीब 2 करोड़ घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का भी है। इस मालिकाना हक ने घर के दूसरे आर्थिक फैसलों में भी महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है। ये अपने आप में दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिए एक अध्ययन का विषय है, केस स्टडी का विषय है, जो मध्य प्रदेश की यूनिवर्सिटी द्वारा भी जरूर किया जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, महिलाओं की परेशानी को दूर करने के लिए हमने हर घर जल पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया है। बीते 2.5 साल में इस योजना के तहत देश भर में 6 करोड़ से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल कनेक्शन मिल चुका है। योजना के शुरू होने के समय मध्य प्रदेश में 13 लाख ग्रामीण परिवारों के घर में पाइप से पानी आता था, आज 50 लाख परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाने के पड़ाव के हम बहुत ही निकट है। हम मध्य प्रदेश के हर ग्रामीण परिवार तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथियों, आज मैं मध्य प्रदेश समेत देश के उन सभी गरीबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि घर बनाने का अभियान तेज गति से चल रहा है। अभी भी कुछ लोगों तक पक्का घर नहीं मिला है, मुझे इसका पूरा पता है। और मैं आपको कहने आया हूं, इस वर्ष के बजट में पूरे देश में 80 लाख से अधिक घर बनाने के लिए पैसे आवंटन करने का राशि का प्रावधान किया गया है। इनमें से मध्य प्रदेश के भी लाखों परिवारों को लाभ होना आता है। अब तक 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 2.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इस योजना पर खर्च किए जा चुके हैं। ये पैसे गांवों में खर्च हुए हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे ताकत दी है। जब एक घर बनता है तो ईंट, बालू, सरिया, सीमेंट, घर बनाने वाले श्रमिक, सब कुछ स्थानीय ही तो होता है। इसलिए पीएम आवास योजना गांवों में रोजगार के नए अवसर भी बना रही है। साथियों, हमारे देश ने आजादी के बाद दशकों तक बहुत सी सरकारें देखी हैं, लेकिन पहली बार देश के लोग ऐसी सरकार देख रहे हैं जो सरकार उनके सुख दुख में उनके साथी बनकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ रहती है। सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ गरीबों को पक्का मकान नहीं बल्कि गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की दिशा में पहला कदम है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।